सुप्रभात विद्यार्थी, अब हम यहाँ क्लास सेवन और एट शब्द रूपाणी के अंदर किम धातु किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखेंगे। जब स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तो स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके रूप को आपको याद करना है। स्त्रीलिंग का प्रथम व्यक्ति बनेगा का के कहा, का के कहा, का के कहा। द्वितीय विभक्ति बनेगा काम के कहा, काम के कहा। तृतीय विभक्ति बनेगा कया, कया एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन होगा कया काभ्याम काफी, कया काभ्याम काफी है, कया काभ्याम काफी है। चतुर्थी विषय विभक्ति कस्य कस्य काभ्यां, कस्य काभ्यां काभ्य काभ्य। पंचमी विभक्ति जो कहेगा कस्याः, कस्याः काभ्यां, कस्याः काभ्यां काभ्यः। षष्ठी व्यक्ति जो है वह भी कस्याः, यहां जो है कयोः, कस्याः कयोः कासाम्, कस्याः कयोः कासाम्। और सप्तमी व्यक्ति बनेगा कस्याः, कस्याः कयोः कासु, कयोः कासु। इस प्रकार व्यक्ति यहां स्त्रीलिंग की धातु का प्रश्नवाचक शब्द रूप देखो हमने देखा। जब स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द रूपों का आप याद करेंगे तभी सही रूप से प्रश्न निर्माण या प्रश्नों का निर्माण आप कर पाएंगे। धन्यवाद।